हाय फ्रेंड, वेलकम आरती पुची व्लॉग। आपका स्वागत है। और कैसे आप बिंदास होंगे, अच्छे से होंगे, क्योंकि टाइम हो चुके हैं। कितना हो चुका है? 12:30। तो अभी मैं आज आई हूँ किचन में, और मैंने रखा है ये उबालने के लिए सैलेड का सामान। अभी अभी मैंने कहा चलो इसको फटाफट रेडी करते हैं। और मुझे आज बनाना है एक सैलेड अपने लिए, एक अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कामयाब हो गई तो वेल। एक तो ये नहीं टिकता फोन, ना पकड़ने वाले, गिर गया ना, फिसलता है भाई। तो ये मैंने ये और मैंने कहा आपको चलो दिखा दिया जाए ब्लॉग पूरा। और ये बना रही सैलेड। अब उसके बाद जैसे सैलेड रेडी हो जाएगा, इसमें मैंने 1 प्याज, इसमें टमाटर भी 1 डालूंगी। और प्याज मैंने काट दिए, 1 टमाटर। आगे आगे देखती है सैलेड कैसा होता है। चलो बताती हूँ मैं। आगे आगे 1 टमाटर उठा लो पहले मैं, ठीक है? 1 टमाटर ले लूँ, छोटा सा टमाटर, क्योंकि मैं इसको एंड जैसे बना रही हूँ ना, अभी आपको मैं दिखाती हूँ कैसे कैसे बना रही हूँ। यूबल जाए एंड इसको उबालने के लिए मुझे छोटी सी करछी चाहिए। करछी कहाँ है तू? ये उबल रहा है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते। मैं हल्का सा उबालती हूँ, फिर कच्चा फ्लेवर नहीं आना चाहिए ना। स्टीम दे, स्टीम तक उबाल दूंगी इसको, नहीं तो कच्चा फ्लेवर आएगा जो पैटर्न हो। इधर तक ब्लॉग तक बने रहिएगा, आपको अच्छा लगे तो आगे भी दिखाती हूँ कैसे पूरा होता है ब्लॉग, और कैसे दिखाती हूँ आगे। बने रहिएगा मेरे साथ। हाँ,